हे एवरीवन, सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ रियलमी नार्ज़ो 30 प्रो में पावर बटन को प्रेस करने से 3 सेकंड या 5 सेकंड का कुछ होता है गाइस। 3 सेकंड का अगर प्रेस करके रखोगे तो आपका जो है गाइस गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। वो सेटिंग कहाँ पर है और कैसे है, आपको अगर इनेबल करना नहीं आता है तो इस वीडियो का आप पूरा फुल देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर है वो सेटिंग। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना ताकि जो हमारे नए नए लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर लेते हैं हम अपना सेटिंग्स। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर एक स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कन्वेंशंस टूल्स, सो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है वेक गूगल असिस्टेंट विथ पावर बटन, तो यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकेंड्स टू वेक अप गूगल असिस्टेंट। इफ़ यू होल्ड द बटन फॉर 3 सेकेंड्स यू विल ओपन द पावर मेन्यू इंस्टेड। सो अगर जैसे कि गाइस मैं देख सकता हूँ अभी पावर बटन मैं होल्ड करके रखा हूँ तो ये कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया, मतलब कि मेरा वो ऑप्शन इनेबल नहीं है, मतलब आप रीसेट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो। तो अब मैं इसे इनेबल कर देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो मैं प्रेस करूंगा तो यहां पर आ जाएगा यहां गूगल असिस्टेंट, देख सकते हो गाइस गूगल असिस्टेंट आ चुकी है। तो कुछ तो बोलना नहीं है मुझे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ तो ये खुद आ गया है देखो। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल हुई आप लोगों के लिए कि हाँ गूगल असिस्टेंट कहाँ से और कैसे इनेबल हो सकता है, पावर बटन से क्या हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो ताकि वो लोग भी जान लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।